अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल और साथ डाला है नमक। बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया या बर्फियाँ। नमक पहले इसलिए डालते हैं ताकि आलू चिपके नहीं, नॉन स्टिक में तो वैसे भी नहीं चिपकते, लेकिन फिर भी आलू पड़ चुके हैं। ये बना के इसको इसमें करना है थोड़ी देर फ्राई, और फिर इसमें बस मेन नमक मिर्च डालेंगे और ये बनेंगे बहुत मज़ेदार। आलू की भुजिया कह लें, आलू की बर्फियाँ कह लें, बर्फियाँ शायद इसलिए कहते हैं कि ये गोल गोल स्लाइसेस में काटी हुई हैं। ये मैंने चार बड़े बड़े आलू लिए थे। मसाले इसमें सिर्फ जाएंगे सब्ज़ मिर्च, बारीक कटी हुई ज़ीरा, हल्दी, मिर्चें और टमाटर बस, और कुछ नहीं इसमें जाएगा। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। जब इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे फिर ये टमाटर और ये चीज़ें डाल के हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और बस तैयार। फटाफट बनने वाली बहुत आसान सी मज़ेदार रेसिपी जो पराठों के साथ और खाने में हर तरह ही पसंद आती है सबको। ये अभी शोर मचा रही है, इसका मतलब अभी थोड़ा टाइम है, अभी घेर के डाले थे अच्छी तरह। जब ये शोर मचाना हट जाएंगे तो फिर आप उन्हें बताएंगे मिर्चे, मिर्चे लगा के फिर अच्छी तरह दम पे रख देंगे ताकि मिर्चे उनके अंदर आते बढ़ते जाएँ। ये आलू और मिर्चें वगैरह हमने डाल दी हैं और हल्की आंच पे इसे पकने रखेंगे। टमाटरों का जो पानी निकलेगा ये उसी में गल जाएंगे। ये 5-6 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और फिर मज़ीद इन्हें रखेंगे। ये जी हमारी आलू की भुजिया कह लें, वर्कियाँ कह लें, जो भी ये है, ये हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। खाएं, एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान चटपट बनने वाली रेसिपी है, बनाएं इसे एक बार ज़रूर। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।